चिरंजीव प्लीज बताइए 5.56 इंसास राइफल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में 5.56 इंसास राइफल है। ये अपने देश का बना हुआ एक स्वदेशी हथियार है जिसको कलकत्ता इच्छापुर के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया था। इस वेपन की बहुत सारी खासियत है जैसे कि ये आम हथियारों की अपेक्षा लाइट वेट है, इसको कैरी करना बहुत ही आसान है, इसकी साफ़ सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, इसका फायर पावर काफ़ी अच्छा है, इसका मैगजीन पार्ट जैसा आप देख रहे हो ये फाइबर का बना हुआ पारदर्शी होता है ताकि फायर करते करते आपको अंदाजा लगेगा कि मैंने कितना राउंड फायर किया और कितना मेरे मैगजीन में बैलेंस है। एक बार में कितना राउंड इसके अंदर आ जाता है? मैम एक 20 राउंड भरते हो 20 की कैपेसिटी है और 20 राउंड ही फायर होता है। और कितनी रेंज तक इससे फायर किया जा सकता है? इसकी कारगर रेंज मैम 400 मीटर है लेकिन हम इसको 600-800 मीटर तक भी फायर कर सकते हैं। इससे ग्रेनेड साइड भी दिया हुआ है जिससे हम ग्रेनेड भी फायर करते हैं। ये इसका ग्रेनेड साइड है। ये जो एक पोस्ट देख रहे हैं आप, ये पोस्ट हम नाइट को और डे को दोनों तरह की साइट इस पे लगा करके अपनी फायर पावर को बढ़ाने के लिए डे साइड और नाइट साइड दोनों का इस्तेमाल करके फायर कर सकते हैं इससे। ये यहाँ पे इसका जो रेंज रन दिया हुआ ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो इसके मदद से हम यहाँ से तीन तरह की फायर करते हैं। पहला तो शेप पे आ जाता है ये एस शेप। इस हालात में होने के बाद आप चेंज लीवर बोलते हैं इसको। चेंज लीवर की तीन पोजीशन होती है। पहला आता है शेप। अगर आप शेप पे लगा के हो तो कोई भी राउंड आप फायर नहीं कर सकते, ये राइफल उस टाइम तक शेप रहेगी। दूसरा कट जैसे आप घुमाओगे ये आर पे आ जाएगा। आर पे आप इससे सिंगल राउंड ही फायर कर सकते हो। बाकी राइफलों में सिर्फ एस और आर ही होता है लेकिन ये इसका तीसरा इनिशियल पोजीशन भी जब सबसे पीछे हम घुमा के ले जाते हैं तो ये बी पे आ जाता है। ये देखोगा बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम थ्री राउंड ब्रूस्ट फायर कर सकते हैं। यहाँ से तीन तीन राउंड के गुच्छे को हम एक साथ टारगेट पे हिट कर सकते हैं। अभी इस राइफल के खोलने और जोड़ने का तरीका सिखाया जाएगा। इस राइफल को खोलना काफ़ी आसान है। किसी भी वेपन को खोलने से पहले आप राइफल को दो बार कॉक करें, ट्रिगर को प्रेस करें। यह कार्रवाई तब की जाती है जब आप अपने कोच से राइफल निकालते हो तो अपनी साथी की जान सलामती और हथियार की टूट फूट को चेक करने के लिए यह कार्रवाई को दोहराया जाता है। खोलने का आसान तरीका, राइफल को नीचे रखें। यह बॉडी लॉकिंग कैच है इसका, यह जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये बॉडी लॉकिंग कैच है, ये बॉडी लॉकिंग कैच। इसको प्रेस करते हुए आपने अंगूठे की मदद से इस वाले हिस्से को जो इसका रिटर्नर होता है उसको प्रेस करना है और आपने बॉडी को अनलॉक करना है। आपने ऐसा अलार्म में देखा होगा कि बॉडी कवर अलग हो जाता है लेकिन इसमें हिंज की मदद से इसको फिट किया गया ताकि ये अलग ना हो। ये राइफल के साथ ही जुड़ा होता है। दोबारा बॉडी लॉकिंग कैच को दबाते हुए आपने स्प्रिंग को अनलॉक करना है, स्प्रिंग को बाहर निकालना है। ये इसका स्प्रिंग है। यह है गैस बैन लॉकिंग कैच। इसके कट को मिलाते हुए आपने सीधा इस गैस ट्यूब को बाहर निकालना है। यहाँ पे पूरी राइफल खुल चुकी है, अभी इसमें खुलने लायक कोई भी सामान नहीं बचा है। एक बार फिर से इनके हिस्से पुर्जों के नाम बता दीजिए जो खुले हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो इसका पूरा नाम बोलता है पिस्टन इंस्ट्रक्शन असेंबली, क्योंकि ये पिस्टन असेंबल किया हुआ है। ये पिस्टन हेड है, ये इसका रोटेटिंग बोल्ट है, उसमें आपने ब्रिज ब्लॉक देखा था इसमें रोटेटिंग बोल्ट होता है, इसका रोटेटिंग बोल्ट। ये इसके फायरिंग पिन है जिसका ये पीछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है। ये इसका इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जो कि राउंड को कैरी करके चैम्बर तक दाखिल करता है। ये है पाथवे जिसके अंदर रोटेटिंग बोल्ट हरकत करता है। ये आप देख रहे हो इसके अंदर घूमता है, अगर आपने सीधा नहीं रखा है तो ये निकल जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन अगर इसको आपने पाथवे में सही से डाला हुआ है और लॉक कर दिया तो ये नहीं निकलेगा। कैसे भी कर दो आप ये नहीं गिरने वाला है। ये इसका स्प्रिंग है, रिक्वाइल स्प्रिंग बोलते हैं, इसका पूरा नाम रिक्वाइल स्प्रिंग। ये गैस के दबाव और टेंशन पे काम करता है। जब हम राउंड को फायर करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, जैसे राउंड फायर होता है उसके बाद ये पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है, दूसरा राउंड चैम्बर में फीड हो जाता है। ये इसका गैस ट्यूब, इसकी इनिशियल पोजिशन दो होती है अगर लो और हाई। ये इसका मैगजीन है जो कि फाइबर का बना हुआ होता है और ये पूरा पारदर्शी होता है। इसके अंदर आप 20 राउंड भर सकते हो और 20 राउंड ही फायर करोगे आप, लेकिन फ़ायदा इसके अंदर यही होता है कि आप फायर करते करते अपने राउंड की कैपेसिटी को देख सकते हो कि मैंने 20 राउंड फिलिंग किया था और मैंने कितना राउंड अभी तक खाली कर दिया है और कितना राउंड मेरे पास बैलेंस है। इसको प्लीज़ अब जोड़ के दिखाइए।
जोड़ने के लिए किसी भी वेपन का हिस्सा जब हम जोड़ते हैं तो सबसे बाद में जो हिस्सा खुलता है वो सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो सबसे बाद में आपने देखा होगा कि मैंने गैस ट्यूब को खोला था, मैं सबसे पहले गैस ट्यूब को जोड़ूंगा। इधर गैस ट्यूब को जोड़ने का तरीका आप देखें, सबसे पहले जो गैस ट्यूब का लॉकिंग क्या है उसको बिल्कुल पैरेलल लाना है आपने। ये देखिए इसका पाथवे है, अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो ये अपने पाथवे में बैठेगा नहीं, इसलिए इसको बिल्कुल फ्लैट करना है आपने। एक अंगूठे की मदद से इसके लॉकिंग कैच को लॉक करना है, दूसरे मदद से आपका ये कट देख रहे हो, ये कट हमेशा आपके अपने तरफ होना चाहिए। अगर हम इसको उल्टा जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा। तो इसका जो कट बना हुआ निशान है, ये जो समतल हिस्सा देख रहे हो उसको आप अपने चेस्ट की तरफ रखो, कट में दाखिल करो, पहले ऊपर वाले बे में बैठाओ, कट में दाखिल करो, ये अपनी निश्चल पोजिशन में बैठ गया। अभी इसको लॉक करना है तो कैच को हमें नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपका गैस ट्यूब जुड़ गया है। गैस ट्यूब जोड़ने के बाद आपने बॉडी लॉकिंग बॉडी कवर को आपने ऊपर की तरफ उठाना है, उसके बाद आपने पिस्टन एक्सट्रैक्शन असेंबली को उठाना है। ध्यान दें कि ये रोटेटिंग बोल्ट वो अपने पाथवे में लॉक हो। इसको गैस ट्यूब के सिधाई वाले बैरल में डालते हुए कट में बैठाए, ये अभी इनिशियल पोजिशन में बैठ गया है। अभी आप इसको झटके के साथ आगे प्रेस कर दो, ये लॉक हो गया बॉडी एक्सट्रैक्शन असेंबली। अभी आपने ये जो रिक्वायर्ड स्प्रिंग है उसको इस खाने के अंदर डालना है ऊपर वाले हिस्से में, और इसको प्रेस करना है और इसके बे में बैठाना है। ये अपने बे में बैठ गया है। अभी आप इसके बॉडी कवर को सीधा नीचे की तरफ लाएं, जोर से प्रेस करें और इस जो बॉडी लॉकिंग कैच था उसको प्रेस कर दें। आपका राइफल यहाँ पे लॉक हो गया और ये जुड़ गया। राइफल को दो बार कॉक करें और ट्रिगर को प्रेस करें। यहाँ पर इंसास राइफल खुल गया और जुड़ भी गया। Thank you.